गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीडिया। सेकेंड पॉइंट है सॉयल कहाँ तक भरें। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बारिश के पानी बहुत ज़्यादा अगर हमारे ग्रो बैग में जमा हो गया तो उसको कैसे निकालें। फिफ्थ पॉइंट, क्या ना करें। इतनी तपती गर्मियों के बाद जैसे हम इंसान को बारिश की इंतज़ार है, ऐसे ही पक्षी जानवर और इन पेड़ पौधों को भी बारिश के इंतज़ार है। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा बारिश, जैसे 4-5 घंटे की बारिश या लगातार 2-3 दिन की बारिश इन पेड़ पौधों के लिए मुसीबत ले आती है। तो इसी चीज़ का समाधान करते हुए मैंने कुछ अपने गार्डन में चेंजेस किए हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीडिया। रेनी सीजन में जब भी हम ग्रो बैग या कंटेनर भरें तो उसमें मीडिया होना चाहिए, हमारे सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट या राइस हस्क। किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए, नहीं तो ये नीचे फंगस पैदा करेगा। वेजिटेबल प्लांट्स की रूट्स सैलो रूट्स होती हैं और सैलो रूट्स इसी मीडिया में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मैंने अपनी पॉट्स यही ड्राई मटेरियल से 70% भरा है, बाकी 30% ऊपर का पार्ट सॉयल और कंपोस्ट में भरा है। रेनी सीजन में लगाए जाने वाले वेजिटेबल्स में से अदरक, ओल, मैंगो जिंजर, हल्दी, रतालू आदि रूट वेजिटेबल्स की नीचे की ये मीडिया जितना गलता जाएगा उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेंगे। राइस हस्क और सूखे पत्ते गलने के लिए पूरे 6 महीने ले लेते हैं, तो ये मीडिया में पड़े रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है सॉयल कहाँ तक भरें। अगर हम सॉयल को पॉट की पूरी ऊपर तक भरते हैं तो उसमें पानी कम रुकेगा, इसीलिए रूट वेजिटेबल्स वाले ग्रो बैग को छोड़कर बाकी सारे ग्रो बैग्स को मैंने फोल्ड कर दिया, मिट्टी की लेबल तक बना दिया। मिट्टी ग्रो बैग के जितना ऊपर तक होगा पानी उसमें उतना कम ही स्टोर होगा। थर्ड पॉइंट है मर्चिंग। किसान जिस तरह से यू शेप में मेड बनाकर उसके ऊपर पॉलीथीन सीट बिछाते हैं और उस पॉलीथीन के सीट के ऊपर पौध लगाते हैं ताकि फसल में दी गई खाद और मिट्टी की कम से कम नुकसान हो। मैंने भी कैरी बैग और आटे के पैकेट जैसे पॉलीथीन शीट लेकर अपनी प्लांट्स को इस तरह से कवर किया है। बारिश की पानी अच्छे से नीचे चला जाए, तेज हवा से पॉलीथीन शीट उड़ ना जाए, इसीलिए थोड़ा सा ईंटों की टुकड़ा या टाइल्स या स्टोन रख दिया। लेकिन गमलों की मिट्टी को या मेरे पौधों को हवा मिलती रहे, इसीलिए हल्का हल्का साइड में गैप छोड़ा है ताकि मेरी मिट्टी को हवा मिलती रहे। पपीते जैसे पेड़ों की पत्ते अम्ब्रेला शेप में होते हैं और उसके ग्रो बैग में पानी बड़ी आसानी से नहीं पहुंचता है, इसीलिए उसके ऊपर पॉलीथीन शीट नहीं लगाया है। पॉलीथीन शीट को यू शेप देने के लिए या हल्का सा ऊंचा करके रखने के लिए मैंने कुछ प्लास्टिक बॉटल को इस तरह से पॉलीथीन के नीचे रखा है और उसके ऊपर पॉलीथीन शीट रख दिया ताकि मेरी पॉलीथीन शीट यू शेप ले ले और मिट्टी में बारिश की पानी कम से कम जाए। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बारिश के पानी बहुत ज़्यादा अगर हमारे ग्रो बैग में जमा हो गया तो उसको कैसे निकालें।
सिंपल जूट का धागा ले लिया है और उसी का सुआ बड़ा सा ले लिया है और ग्रो बैग के नीचे बनी हुई होल के अंदर एक एक सुतली का धागा डाल दिया है। उससे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। जूट की रस्सियाँ बड़ी आसानी से मॉइस्चर को पकड़ लेती हैं और पानी को होल के थ्रू बाहर निकाल देंगे। जूट की रस्सियों को ग्रो बैग के जितना अंदर हो सकता है उतना अंदर डालने के लिए कोशिश किया है। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर 3-4 घंटे के अंदर ही इस तरह जूट की रस्सियों के थ्रू बाहर निकल आया था। मैंने एक जूट की रस्सी के नीचे बॉटल रख दिया है तो देख सकते हैं बॉटल में भी पानी स्टोर हो गया है। इसी बॉटल के पानी को दोबारा से मैं अपने पौध में डाल सकती हूँ। फिफ्थ पॉइंट, क्या ना करें। गमलों के नीचे ट्रे ना रखें और गमलों के ऊपर पत्थर या इस तरह से कोई टाइल्स के टुकड़े से उसको कवर ना करें। उससे मॉइस्चर अंदर रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा और हमारी पौधा एक्स्ट्रा पानी से गल जाएगा, इसीलिए इनको हटा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।